अध्याय पांच देख रहे हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, उद्योग की चर्चा करेंगे आज। आपके पास जो बुक है या कॉपी है जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये बनी कैसी है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, इसका प्रक्रिया क्या थी, इसकी इसके पीछे क्या किया गया होगा, कहां से शुरुआत होगी इस किताब की या कॉपी की, कभी आपने सोचा है? वृक्ष से, यहां से शुरुआत होती है, वृक्ष से, पेड़ से इसको काटा जाता है, फिर इसको लुगदी मिल तक पहुंचाया जाता है और पल्प मिल, और उसके बाद जब लुगदी मिल में गया वहां पर इसको मिक्स किया जाता है, उससे पहले प्रोसेसिंग होती है, कन्वर्जन होता है, पहले लुगदी बनेगी, उसके बाद कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें, रासायनिक द्रव्य में से डाला जाता है, और फाइनली मशीनों का उपयोग करके इससे कागज बना दिया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। फिर कागज का क्या होता है, जैसे कागज बन गया या तो आप लिखते हैं या कहें तो प्रेस में चला जाता है, वहां पर रासायनिक केमिकल से ये सब इंक बनी होती है, और फिर आप ये देखते हैं कि ये सब जो चीज बन रही है उसी इंक से बनी है। ये अब पन्ने बन गए, उसके बाद इसकी बाइंडिंग की जाती है, बाइंडिंग करके इसको बकायदा एक नोटबुक के फॉर्म में, बुक के फॉर्म में इसको बनाया जाता है, और ताकि इसकी फिर बिक्री हो सके, इसको फिर मार्केट में भेजा जाता है, फिर आप उसका मूल्य देते हैं, पैसा देते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं आप। ये एक प्रक्रिया क्यों बताई गई, हमने क्यों समझी है? शुरुआती चीज हुई ये पेड़ों से, इसी को हम जब पेड़ पौधे नेचुरल चीज से चीजें हम रिलेट करते हैं तो उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये यहां पर तो लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में जहां हम लिख सकेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी इसमें कच्चा माल आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो भी चीज आपके उपयोग की है जो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इसमें की जाती है ताकि आपके लिए वो वैल्यू हो, आप उसे यूज कर सके। जैसे आपने देखा कहां पेड़ से शुरू हुआ, लुगदी बनी, उसके बाद इसमें रसायन उपयोग हुए, उसके बाद फाइनली ये नोटबुक बनी या न्यूज़पेपर बना। तो ये एक प्रक्रिया है, इसे कहते हैं विनिर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग को विनिर्माण कहते हैं। दो स्टेजेस आपने देखे, क्या क्या विनिर्माण के अलग अलग प्रोसेस थे। तो हम जब बात करते हैं इंडस्ट्री की, ये एक ऐसी आर्थिक एक्टिविटी है, मैं आपको बताऊंगा आर्थिक क्यों है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। ये किससे रिलेटेड है, वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सारी व्यवस्थाओं की जो भी इसको सपोर्ट करते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। लोहा इस्पात उद्योग यानी स्टील एंड इन आयरन इंडस्ट्री, जहां पर हम चीजें बनाते हैं। कोयला किससे संबंधित है, कोयला माइनिंग, कोयला खनन उद्योग, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल और टूरिज्म इंडस्ट्री। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए, कोयला खनन जब होता है, कोयला जब आता है तो पहले धरती से उसको निकाला जाता है, कोयले को आप ऐसा उपयोग नहीं कर सकते, या फिर आप कहें आयरन तो आपको मिलता नहीं, लोहा यस मिलेगा, लेकिन उसको आयरन बनाना, स्टील बनाना, ये एक विनिर्माण प्रक्रिया है, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब टूरिज्म इंडस्ट्री किसमें आ जाती है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री होती है जब आप किसी की सेवा देते, आपके लिए कोई बुकिंग करेगा, आपको कोई टूर दिलाएगा, तो सर्विस प्रोवाइडर्स है ये। सर्विस का मतलब होता है ये जो रेस्तरां में अगर आप गए होटल में, वहां पर वेटर आए, साहब आए, आपसे कुछ ऑर्डर लिया, खाना लेके आए, तो वो आपकी सर्विस कर रहे हैं। ये तृतीयक में जाता है, ये आपकी टर्शरी एक्टिविटी में जाता है, लेकिन ये उद्योग है, इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री उद्योग कहते हैं इसको हिंदी में, इंडस्ट्री उद्योग। ये सारी चीजें कैसे इंडस्ट्री में आ जाती है, जैसे आप फिल्म को भी इंडस्ट्री कहते हैं, है ना, तो हम इसको वर्गीकृत करते हैं, थोड़ा बृहत हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड ऐसे करेंगे कि रॉ मटेरियल क्या है, किस चीज से बनती है चीजें, साइज आकार क्या है, और स्वामित्व किसका है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन ओन कर रहा है उस बिजनेस को, इंडस्ट्री को। कच्चे माल से कैसे करेंगे, तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर आप देखें, या तो कृषि आधारित हो सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका कच्चा माल
कच्चा माल खनिज होगा या खनिज रूपी होगा, इसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। जो चीज ओशन से निकल के आ रही है, समुद्र से निकल के आ रही है, उसे हम मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे, समुद्र आधारित हो गया ये। जहां पर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जिसका वनों से आ रहा है, कच्चा माल जंगल से आ रहा है, उसे हम कहेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया जाए। चार चीज आपको बताई, ये ध्यान रखना है, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। ये कहां से आया है? जहां से कच्चा माल जहां से भी आ रहा है, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है। इसका वर्गीकरण देखिए, उद्योग है और उद्योग का, जैसे ये आपका उद्योग है या यहां से करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का अगर कच्चा माल कहां से आता है उस हिसाब से हम देखते हैं, यानी रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। रॉ मटेरियल का एक तो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, फिर आकार क्या है यानी कि इसका साइज क्या है, और फिर आता है स्वामित्व, ओनरशिप किसकी है। तो इंडस्ट्री को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये कौन ओन कर रहा है, इसको भी हम डिसाइड करेंगे अभी कि कौन अकेला आदमी करता है, ग्रुप करता है, सरकार करती है। तो जब कृषि आधारित पे हम आते हैं तो रॉ मटेरियल क्या 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 हो सकता है, एक तो एग्रो बेस्ड हो सकता है, मिनरल बेस्ड हो सकता है, यहां पर मैरिन बेस्ड हो गया और फॉरेस्ट बेस्ड हो गया। तो एग्रो बेस्ड में कहां से आ गया, जहां पर हमारा सीधा एग्रीकल्चर से आता है, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर, चमड़ा, ये सारे कृषि आधारित है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, सारा का सारा एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजों से आ रहा है। खनिज आधारित उद्योग, ये वो प्राइमरी इंडस्ट्री या प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, यानी मिनरल ओर्स होते हैं इसमें, जिसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इन उत्पादों को, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो उन इंडस्ट्रीज का पोषण करते हैं, यानी कि ये इनपुट है उन इंडस्ट्रीज के लिए, जो मतलब किसी और के लिए इंडस्ट्री का काम करते हैं। जैसे आयरन के बारे में बताया, लोहा, ये आयरन ओर से बनता है। अब आयरन बन गया, उसके बाद ये आयरन कई और इंडस्ट्री में जाता है, तो कई इंडस्ट्री इस आयरन को कच्चे माल की तरह यूज करते हैं। यानी एक एक इंडस्ट्री ने आयरन ओर से आयरन बनाया, उस आयरन को किसी और इंडस्ट्री ने यूज किया, जैसे भवन निर्माण करना हो, बड़ी मशीनरी बना रही हो, रेलवे कोचेस बना रहे हो। समुद्र आधारित उद्योग कौन कौन से हो गए, जो भी सी, समुद्र या ओशन, बड़े बड़े ओशन सी, वहां से जो चीज आती है उसे हम, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, उसे हम मरीन बेस्ड इंडस्ट्री या समुद्र आधारित उद्योग कहेंगे। समुद्र आधारित उद्योग, इसमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण कह सकते हैं, प्रोसेसिंग, जैसे फिश ऑयल बनता है, आपने जरूर विटामिन ई की गोलियां ली होगी, उसमें फिश होता है, कॉड वाली फिश का। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे आप भवन निर्माण करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर बनाते हैं, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक हो गया, ये ना, यहां पर रॉ मटेरियल हो गया। अब साइज पे आते हैं, दूसरा आकार पे आ गए हम, आकार क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, कितना बड़ा उद्योग है, कितना छोटा उद्योग है, कितना पैसा लगा है, कितना पैसा इसमें गया है। आकार मतलब साइज, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एरिया में फैला है, ये भी एक फैक्टर आता है इसमें। बहुत सारी चीजें साइज के आधार पर आती है कि क्या क्या चीज है, जैसे पैसा कितना ज्यादा लगा है, कितना कम लगा है, कितने लोग इसमें इंप्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, और कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी मात्रा कितनी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से इसको और डिवाइड करेंगे। तो साइज के हिसाब से कितना पूंजी लगी इसमें, मतलब कैपिटल कितना लगा, नंबर ऑफ पीपल कर देते हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम कर देते हैं इसको। तो साइज ये चीज होती है, इन तीनों से बनता है। जैसे मैंने कहा कि अब आकार के हिसाब से इसको और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे साइज, ये तो आकार की डिफिनेशन होगी, आकार कैसे डिफाइन करेंगे। अब आकार की इंडस्ट्रीज को, यानी इंडस्ट्रीज को करेंगे तो एक हो जाएगा लघु आकार, जिसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, एक हो गया आपका बृहत आकार, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे इसको, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, बृहत और स्मॉल स्केल, लघु आकार और बृहत आकार के उद्योग, छोटा बड़ा। जो कुटीर और घरेलू उद्योग है, कॉटेज हाउस होल्ड, ये छोटे उद्योग है, इसमें दस्तकार, आर्टिसंस अपने हाथ से इस चीजों को बनाते हैं, जैसे टोकरी बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स ये कॉटेज इंडस्ट्री में आते, कुटीर उद्योग में आते हैं। जो बड़े स्केल के उद्योग है, वहां पर
उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। और इसमें यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पर पूंजी कम लगती है, पैसा कम लगाया जाता है और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी ये भी कम होती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, पूंजी इसमें कैपिटल अगर आप देखें जो बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसमें पैसा बहुत है, पैसा बहुत डाला जाता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत जबरदस्त उपयोग होती है, जो सब चीजें मैकेनाइज होगी ऑटोमेटेड होगी, रेशम बुनाई हो गई या जो खाद्य प्रक्रमण हो गया इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। और बड़े इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल अगर देना चाहूं तो ऑटोमोबाइल बनाना, गाड़ियां बनाना और बड़ी बड़ी मशीनरी बन रही है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। यहां पर एग्जाम्पल आपको दूंगा, ये फूड प्रोसेसिंग हो रहा है मखने का, मखाना कहते हैं इसको, इसको गैरगोन नट कहते हैं, तो इसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डालेंगे। लेकिन अगर हवाई जहाज बनाना है या फिर शिप बनाना है इसके लिए बड़ा उद्योग चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़े ज्यादा लोग चाहिए और प्रोडक्शन उसका हैवी लेवल पे हो रहा है। ये अब स्वामित्व पे आ जाते हैं, कौन इसे ऑन कर रहा है, स्वामित्व के आधार पे कौन इसे ऑन कर रहा है इस हिसाब से कैसे होगा, यानी अब हम ओनरशिप पे आ जाते हैं, स्वामित्व या ओनरशिप। पहली चीज आती है इसमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कह लें इसको, पीएसआई कह लें। फिर राज्य स्वामित्व है, राज्य स्वामित्व इसको हम कहेंगे, राज्य स्वामित्व हो गया ज्वाइंट सेक्टर, एक ज्वाइंट सेक्टर हो गया, एक कॉपरेटिव सेक्टर हो गया, तो एक ये हो गया प्राइवेट, एक होगा पब्लिक, एक ज्वाइंट सेक्टर हो गया, ये पब्लिक को पीसी कर देता हूं, और फिर उसके बाद कोऑपरेटिव, तो चार हो गए इसमें, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और सहकारी, कोऑपरेटिव, ध्यान रखिएगा चार चीजें, वर्गीकरण आपने देख लिया। अब इसको एक एक करके बताते हैं। निजी क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग का जो स्वामित्व है यानी इसका जो ओनर होगा, इसका मालिक होगा, या तो एक व्यक्ति होगा या कुछ लोग होंगे, दो चार पांच लोग होंगे या कुछ एक ग्रुप होगा, समूह होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका स्वामित्व, उनका संचालन, प्रबंधन वो सरकार के पास होगा, गवर्नमेंट, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ, इसरो, ये सब बड़े 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 इंडस्ट्रीज कह सकते हैं या रिसर्च डिपार्टमेंट कह सकते हैं। अब ज्वाइंट सेक्टर क्या होगा, ज्वाइंट सेक्टर यहां पर इसका संचालन और स्वामित्व, ऑपरेशन यहां पर लोग कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट वाले होंगे और इसमें गवर्नमेंट भी होगी, यानी इसमें प्राइवेट लोग भी हैं और सरकार भी है, इसको हम संयुक्त क्षेत्र या ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। ज्वाइंट सेक्टर सरकार और प्राइवेट दोनों है, गवर्नमेंट की भी भागीदारी है और कुछ निजी लोगों की भी भागीदारी है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इसका स्वामित्व किसके पास होगा, इसका संचालन कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, ये इसमें कच्चा माल जो प्रोड्यूस करता है या फिर वो लोग जो इससे रिलेटेड होते हैं वो सब एक कमिटी बना लेते हैं, एक कॉपरेटिव बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, यानी दूध जो जो भी इससे काम से रिलेटेड है, जैसे दूध जो बना रहा है फिर उसके बाद उसको पनीर में या दही में कन्वर्ट हो रहा है फिर वो बेचा जा रहा है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डेयरी हो गई, ये बड़े कोऑपरेटिव वेंचर है। इसमें होता यह है कि वो कोऑपरेटिव में काम करते हैं, इनको जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, उनको नुकसान जो होता है वो आपस में बांट लेते हैं। सहकारी क्षेत्र में वो लोग होते हैं जो एक चीज से रिलेटेड है, जैसे डेयरी वाले इस कोऑपरेटिव सेक्टर, डेयरी इस कोऑपरेटिव सेक्टर में होंगे ऐसे। फिर उसके जैसे आप कहें कि दूध की बात हो गई, आप कोई और कॉपरेटिव सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर में कोई ले लीजिए, वो कॉपरेटिव सेक्टर बना लेंगे अपना। उद्योगों की अवस्थिति, लोकेशन, अवस्थिति मतलब लोकेशन, इसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इनको प्रभावित करने के कौन कौन से कारक होते हैं, जो भी फैक्टर एक उद्योग को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे या इफेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या आएगा एक एक करके समझिए। पहली चीज यह है कि कच्चा माल बहुत जरूरत है। कच्चा माल कैसे आएगा, कहां से आएगा, जमीन, पानी, श्रम, लेबर, शक्ति यानी पावर, एनर्जी, पूंजी, पैसा भी आना चाहिए, पैसा भी लगेगा इसमें, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, बाजार और कम्युनिकेशन,
बातचीत, ये सारे फैक्टर को मिलाएंगे जो उद्योगों को अफेक्ट करते हैं। ये सारे, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम हटा दें तो हम एक इंडस्ट्री की परिकल्पना करते हैं। अगर लेबर ही नहीं है तो कौन काम करेगा? पानी नहीं है तो पानी के बगैर तो कोई उद्योग नहीं चलता। सामान बना लेंगे तो जाएगा कहां? रॉ मटेरियल आएगा कैसे? ट्रांसपोर्ट चाहिए। पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मशीनें कैसे चलेगी? तो एक भी चीज को आप नहीं छोड़ सकते। सरकार क्या करती है, जैसे मान लीजिए विद्युत दे दिया सरकार ने, वो उसमें सब्सिडी दे देती है, कुछ कम पैसा करके दे देती है, वो अपने तरफ से भरती है इसको। वो केवल इसलिए कि क्योंकि उद्योगों का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो सरकार कई चीजों में मदद करती है, सब्सिडी देती है, अपने तरफ से व्यवस्था करती है कि यहां पर निजी क्षेत्र या जो भी क्षेत्र है वो प्रॉस्पर करे, वो आगे बढ़े। क्योंकि उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, चीजों को, चीजें जो बनेंगी, लोगों को चीजें मिलेंगी जो भी यहां से बनेगी। तो औद्योगिकरण से नगरों का डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। यहाँ पे औद्योगिक तंत्र की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसमें आता है निवेश और प्रक्रम और निर्गत, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट्स। तो निवेश इनपुट में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल हो गया, कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत जो हो गई, और जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और बाकी जो अवसंरचना, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। फिर प्रोसेसिंग होगी, जैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में, और फाइनल जो आउटपुट है वो क्या होगा, कितना आपने पैसा कमाया, क्या प्रोडक्ट मिला। जैसे सूती वस्त्र उद्योग को देखें तो यहां पर कपास, मानवीय श्रम, कारखाना और परिवहन, ये निवेश हो गया, ये इनपुट हो गया, इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोसेस है, यानी ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई, और फाइनल क्या होगा, जो शर्ट, जो कमीज हम पहन रहे हैं, ये इसका फाइनल उत्पादन हो जाएगा। और इसको जब बेचा गया, जो पैसे मिल रहे हैं और जो लागत से माइनस की जाए तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो किसी भी औद्योगिक प्रदेश का निवास, ये कहें डेवलपमेंट तभी होता है जब सारे चीजें आसपास हों और उसका लाभ भी आपस में बांटते हैं। विश्व के जितने भी, अगर आप रीजन देखें, अच्छे अच्छे जो रीजन जिनका नाम लिया जाता है, औद्योगिक प्रदेश है, उसमें आप देखेंगे कि ये पूर्वोत्तर अमेरिका हो गया, पश्चिमी और मध्य यूरोप हो गया, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, जहां पर हार्बर होगा वो समुद्री समुद्री पतन जहां पर, वहां पर आप हमेशा डेवलपमेंट देखेंगे। कोयला जहां मिलता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोयला जहां मिलता है, हर जगह चीजें नहीं हो सकती, और टेम्परेचर भी सही हो, टेम्परेचर भी सही हो, जिसको हम शीतोष्ण वाला इलाका कहते हैं, तो चीजें, कोल फील्ड, सारी चीजें इसमें फैक्टर आती हैं। इसके साथ और भी मैंने बताया कि सी पोर्ट जहां है, बंदरगाह, कोल जहां है वहां पर सक्सेसफुल हो पाएगा। जो मैंने शब्दों में बताया उसको यहां पर अगर दिखाना चाहूं मैं, तो आप देखेंगे जो सारे काले काले इलाके हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे देश में, या गुजरात हो गया और नॉर्थ का इलाका हो गया, ये चेन्नई का इलाका हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिक होता, औद्योगिक काम होता है, इंडस्ट्रियल रीजन है। यहां आ जाइए आप अमेरिका में, इस इलाके में ये इलाका है इसके लिए, अफ्रीका का ऊपर का इलाका है, थोड़ा बहुत केपटाउन, साउथ अफ्रीका का इलाका है, यहां पर है इस जगह पे, ये चाइनीज इलाका देख लीजिए आप, बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, वुहान, और वुहान का नाम तो बड़ा चर्चित में है, चर्चा में है आजकल। फिर ये और भी इलाके हैं, यहां पर जावा में काफी इंडस्ट्रीज है, पर्थ में है, ब्रिस्बेन में है, और उसके बाद एक ये जो रीजन है, यहां से यहां तक देखिए, ये एक बेल्ट है, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट। जैसे बता रहा था, एक पूरे यहां से यहां तक एक पूरी बेल्ट बना लीजिए, यहां पर आप देखेंगे कि सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और इसमें हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या आता है, एक तो मुंबई पुणे समूह हो गया, बैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, फिर आपका अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, विशाखापट्टनम, गुंटूर वाला बेल्ट है एक, और फिर गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है हमारे देश में, जहां जहां आपको ज्यादा इंडस्ट्रीज मिलेंगी वो ये है। यहां पर एक बड़ा डिजास्टर हुआ था 3 दिसंबर 1984 12:30 बजे रात को। उद्योग में अगर कोई दुर्घटना हो गई, विपदा आ गई, तो आसपास के लोग, एनवायरमेंट पे कितना बड़ा इफेक्ट होते हैं। भोपाल का ये काला दिन था, जिस जो इस समय गैस निकली, मिथाइल आइसो साइनाइड,
मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत बड़ी त्रासदी है, ये इतिहास में बहुत बड़ा काला पन्ना है। यूनियन कार्बाइड प्लांट था, पेस्टिसाइड बनाता था जिसे हम कीटनाशक बनाते थे। उसके बाद खास ध्यान नहीं गया इसकी सिक्योरिटी वगैरह पे, इसके जो मशीनरी है उस, और ये केवल 1989 की मैं बताऊं 3,500 से ज्यादा इसमें लोग मर गए थे। और इसको छोड़िए आप, ये तो मैं नंबर बता रहा हूं कितने साल, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मैं उस इलाके में, मेरा बहुत बड़ा संबंध है। लोग अंधे हो गए, उनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो गया, अंधापन आ गया, आंत्रशोध विकृतियां हो गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए, बच्चे अजीब से पैदा होने लगे। और ये मैं जब इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो दिमाग में आप लोग जो आगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नुकसान है ये आज का नहीं है, कई जगह अभी कुछ ही दिन पहले विशाखापट्टनम में गैस रिलीज हुई, कितने लोग उसमें हलाक हो गए, मर गए, बच्चे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपने आप को बचा नहीं सकते, बूढ़े जो जिनके पास कोई पावर नहीं है, जो इधर उधर जा नहीं सकते बेचारे। तो हमारी थोड़ी सी गलती से, सरकार की थोड़ी सी गलती से हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और इंडस्ट्रियल डिजास्टर ने वो चीज़ों की जो एक अच्छे समाज में, अच्छे इंडस्ट्रियल बिहेवियर में नहीं माना जाता है। एक और प्रकरण बताऊंगा, 23 दिसंबर 2005 की बात है, यहां पर गाओ कियाओ चोंगजिंग चाइना, यहां पर भी एक विस्फोट हुआ, गैस कूप, 243 लोग यहां हलाक हो गए। लेकिन ये 243 हलाक नहीं होते, इनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अगर एक बंदा कमा रहा है, आप सोचिए 4-5 बंदे उसके साथ खत्म हो जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। और कितने सारे लोगों को, 9,000 इसमें इंजर्ड हुए, 64,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, भाग नहीं सकते थे और उनको किसी न किसी तरीके से निकाला गया, और बाकी जो गए वो गए। सांस, आंखें, त्वचा, फेफड़े सब इनके दिक्कतों में आ गए। तो यहां जो मैंने बता दिया उसके लिए क्या करना है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या है, जोखिम कम करने के उपाय क्या है, जोखिम कम करना आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपके मेरे लिए सबके लिए जनरल रूल है। ये पहली चीज ये है कि जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहां से औद्योगिक क्षेत्र को जितना दूर रखा जाए, जितने डिस्टेंस पर रखा जाए उतना अच्छा है। उद्योगों के आसपास जो लोग हैं उनको पहले हम अवेयर कराया जाए। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो विषैले या खतरनाक टॉक्सिक हैजार्डस सब्सटेंस अगर निकलते हैं तो कैसे उससे बचा जाए, अगर एक्सीडेंट किसी सिचुएशन में हो जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन, फायर वार्निंग, फाइटिंग सिस्टम जितना ज्यादा उन्नत किया जाए, जितना ज्यादा इंप्रूव किया जाए उतना अच्छा है। विषैले पदार्थ या कितना इसका स्टोरेज होना चाहिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो जाए क्योंकि वो कैटास्ट्रोफी होगी, वो लोगों को मारेगा। उसके बाद उद्योगों में जो प्रदूषण नियंत्रण है वो उपाय होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल में निकली थी उसमें वो मशीन ही खराब, वो चीज ही खराब थी, नॉब खराब था, और लोगों को हटा दिया गया था वहां से रात्रि में पैसा बचाने के लिए। प्रमुख उद्योगों का वितरण हम देखेंगे। अब इसमें देखें कि उभरते हुए उद्योग है, इसको हम सनराइज इंडस्ट्रीज, सनराइज उद्योग कहते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज है, जिसे हम कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान। इसमें एक शब्द आने वाला है स्मेल्टिंग, प्रगलन कहते हैं इसको। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातु मेटल को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हम गर्म करते हैं, तपाकर उसे निष्कर्षित किया जाता है, यानी उसको गलाते हैं, इस लेवल तक गलाते हैं ताकि वो चीज निकल आए, जो मेटल है वो निकल आए, मतलब स्मेल्टिंग मतलब हीटिंग हो गया, आप ऐसे समझे इसको अभी फिलहाल के लिए। तो लोहा इस्पात उद्योग, सूती और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं, अब प्रमुख उद्योग, और ये सबसे पुराने उद्योग है। और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे तो थोड़ा नया है, ये नया आ गया, ये अब काफी जगह हो गया है। वो देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग है उसमें जर्मनी है, यूएसए है, चाइना, जापान, रशिया। वस्त्र उद्योग में हिंदुस्तान है, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली से शुरुआत हुई थी सेंट्रल कैलिफोर्निया में, भारत में बैंगलोर है, भारत में अब हैदराबाद है, नोएडा है, पुणे है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हो गए, गुड़गांव हो गया, वहां पर आप देखेंगे कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन सबके हब हैं हम। लोहा इस्पात उद्योग बाकी उद्योगों के कंपेयर में देखें तो यहां पर बहुत सारा
इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट्स है, यानी कि इसमें तीनों चीज है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। ये एक फीडर इंडस्ट्री है, बाकी उद्योगों का कच्चा माल इस उद्योग से बनता है, बाकी जो उद्योग है उनके लिए ये देता है। इनपुट क्या हो गया इसमें, आप लेबर हो गया, कैपिटल, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, और इससे कन्वर्ट होता है आयरन ओर स्टील में। अलग अलग स्टेजेस हैं, मतलब ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले क्या होता है, कच्चे माल को भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, भट्टी जहां आग लगी हुई है, भट्टी होती है, वहां पर इसको भेजा जाता है, वहां वो प्रगलित होता है, जैसे मैंने आपको स्मेल्टिंग बताया था, स्मेल्टिंग मेल्ट हो जा रहा है और वो चीज निकल आ रही है जो हमें चाहिए। उसके बाद रिफाइन किया जाता है, परिशोधित किया जाता है, और फिर जो चीज निकल के आती है वो स्टील है। अब स्टील को हम और बाकी उद्योगों में एज अ रॉ मटेरियल, एज अ इनपुट यूज करेंगे, क्योंकि इसको आराम से हम आकार दे सकते हैं, तारे बना सकते हैं इससे, क्योंकि ये मेटालिक फॉर्म है, ये डक्टाइल है, मेलेबल है, कुछ ऐसे अलॉयज, कई ऐसे अलॉयज हैं, अन्य धातु हैं, धातु कई ऐसे धातु हैं जिसमें उसमें उन लोगों को मिला दिया जाए, यानी कि अलॉयज बना दिया जाए, मिश्र किया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, कई धातुओं को, मेटल्स को मिला दिया जाए और वो और कठोर दे बन जाए, उसको अलॉयज कहते हैं, जो हमें जैसे जंग प्रतिरोधी हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, टफनेस उनकी बढ़ जाती है। जैसे किसी भी चीज में आप एल्यूमिनियम मिलाएं, निकल मिलाएं, कॉपर मिलाएं, तो चीजें हमने देखी है बहुत अच्छी बनती है। यहां पर आप देखें 8 टन कोयला, 4 टन आयरन ओर, यानी 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर मिलके 1 टन स्टील बनता है। इस्पात उत्पादन बताया मैंने आपको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर पूरा तरीका है आयरन ओर से स्टील कैसे बनती है, ये भट्टी है आपका, प्रगलित प्रगलन हो रहा है यहां पे। तो यहां पर होता क्या है, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कोक यहां डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस है यहां पे, और फिर मोल्टन आयरन यहां से निकाला जाता है, बाकी जो चीज बचती है वो यहां निकल जाती है। ध्यान देखिए, मेरुदंड है स्टील, स्टील बैकबोन है सारी इंडस्ट्रीज का, मतलब आयरन और स्टील से बनी जितनी भी चीजें आप आ रही है, टूल है, मशीनरी है, आप जो भी चीज बना रहे हैं, औजार है, मशीन, उनके लिए क्या चाहिए, आयरन और स्टील बन रहे हैं। इसी आयरन और स्टील का उपयोग आप हर जगह देखेंगे, ठीक, शिप, रेलगाड़ी, शिप हो गया, रेलगाड़ी हो गई, ट्रक, ऑटो, ये सारी चीजें इससे बन रही है। जो सेफ्टी पिन, छोटी सी पिन जो होती है, सुई बनाते हैं आप, वो भी स्टील से बन रही है। और ऑयल वेल्स, इनको कैसे ड्रिल किया जाता है, स्टील मशीनरी से किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन है, उसी से तेल जाता है, यहां से वहां प्रवाहित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। खनिजों का खनन कैसे होता है, स्टील इक्विपमेंट से होता है। कृषि के यंत्र, वो किससे बने होते हैं, प्रायः वो स्टील से ही बने होते हैं। बड़े बड़े भवनों का ढांचा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। 1810 इसके पहले एडी आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो वहां बनती थी जहां पर रॉ मटेरियल हो, पावर सप्लाई हो, पानी हो। उसके बाद जो आदर्श स्थिति है इस इंडस्ट्री की, वो ये थी जहां पर कोयला मिल जाए और जहां पर केनाल हो, पानी हो, रेलवे हो। 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहां आ गए जहां पर पोर्ट्स हो, हार्बर हो, बंदरगाह हो, वहां पर ये इनका स्थिति हो गई, लोकेशन चेंज हो गया। ये ऐसा हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य बहुत बड़ा हो चुका था और आयरन और लौह अयस्क इसको इंपोर्ट करना पड़ता था ओवरसीज, बाहर के देशों से। यहां पर आप देखेंगे कि कैसे इसका लोकेशन चेंज हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। यहां पर जो पहले क्या था, वो ऐसी स्थिति थी, पहला यहां द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 ये इलाका। उसके बाद 1800 से 1950 में यहां आ गए इस जगह पे, मतलब कोयला मिल जाए यहां पे, फिर और यहां पर आ गए, क्यों यहां पर शिप आता है, तीसरी लोकेशन यहां आ गई। तो भारत में इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री ये बड़ी है आगे, और इसमें कई चीजें हैं, बाजार का लाभ हो गया, चीप लेबर है, यहां पर बड़ा डेवलप हुआ। ये हमारे जो नाम, अगर मैं नाम लूंगा जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, बोकारो, और ये सारे के सारे एक ही रीजन में हैं, चार राज्यों में ही है। भिलाई स्टील प्लांट है आपका, बोकारो स्टील प्लांट है, ये सब आसपास है, सब वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। भद्रावती, विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु, ये वो जगह है जहां पर
स्थानीय संसाधन का उपयोग करते हैं। मैं इलाके दिखा दूं, कौन कौन से लोहा इस्पात के क्षेत्र हैं, ये सारे मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जहां बड़े बड़े आपको गोले दिख रहे हैं, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का यहां साइड और कनाडा का निचला साइड, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो बड़े इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत बढ़िया है, और यूरोप में कई जगह पे यहां पर आप देख रहे हैं, रूस में भी आप देखेंगे, चाइना में भी है, रूस में भी है। अब इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है वो 1 मिलियन टन जो 1947 में था वो 30 मिलियन टन हो गया 2002 में। 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को कहते थे इसको, एक निजी था, मतलब टाटा टाटा कंपनी से ओन करती थी, प्राइवेटली ओन था, इसमें सरकार कहीं नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, सरकार ने इसको खुद ले लिया, इनिशिएटिव लिया, और उसके बाद टिस्को जो 1907 साक्षी, जहां पर स्वर्णरेखा और खारकाई, वहां पर शुरुआत हुई थी इसकी 1907 में, साक्षी जहां पर स्वर्णरेखा और खारकाई है वहां मिलते हैं, वहां पर हुआ। उसके बाद इस जगह को जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया इसको, उसके बाद इसको इसी जगह को जमशेदपुर को सबसे बढ़िया जगह मानी गई, और फिर वहां से चीजें मतलब वहीं पर फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये इलाका जरा देखिएगा, जमशेदपुर में जो लोहा और इस्पात इंडस्ट्री है उसकी अवस्थिति लोकेशन बताना चाहता हूं। यहां पर ये रेलवे लाइन है, ये रोड है, और ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है और ये रोड है। यहां पर नदी भी है और रेलवे भी है। यहां पर टाटा का खैर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि एक व्यवस्था है उनकी, और टाटा स्टील का काम यहां होता है, और बाकी जो लोग रहते हैं उनके लिए हॉस्पिटल है, गोल्फ कोर्स है, सब चीजें यहां पर बनाई गई है। और मेन चीज आप समझ लीजिए कि पानी जरूरी है, रेल जरूरी है, अच्छे रोड जरूरी है। साक्षी को लिया गया ताकि स्टील प्लांट यहां पर बनाया जा सके। पहला यह है कि बंगाल नागपुर, ये 32 किलोमीटर दूर था कालीमंडी स्टेशन, बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन में। इसके अलावा आयरन कोर, आयरन ओर, कोल, मैंगनीज डिपॉजिट के यहां पर थे, मतलब ये कहें कि आसपास था, कोलकाता इसका मार्केट था, तो वहां पर टिस्को झरिया कोल फील्ड से इसको कोल मिल जाता था। आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, खरकाई, स्वर्णरेखा से इनको पानी मिल जाता था, और सरकार ने इनिशिएटिव लिए, इसको पानी भी मिल रहा था और पूंजी भी मिला। तो जमशेदपुर, यहां पर टिस्को आया, उसके बाद काफी काफी चीजें हुई, उन्होंने मतलब केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल हो गया, वायर, इन सबका उत्पादन किया गया। भारत में खास तौर पे त्वरित डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा बड़े द्वार खोल दिए। जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारी की सारी, उनकी अवसंरचना कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के आसपास ही घूमता है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग इसमें बृहत, बड़ा, इसमें बड़े स्टील प्लांट्स हैं, लेकिन साथ में इसमें छोटे क्षेत्र भी हैं, छोटे क्षेत्र भी हैं, और इसमें द्वितीय प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, रोलिंग मिल्स भी हैं, और एंसिलरी साथ में रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हैं। अब पिट्सबर्ग की बात करते हैं। पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको देखिएगा, ये इलाका है, ये यूएसए का एक बहुत महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। एलेघनी याद रखिएगा, मोनोगहेला, ओहायो। यहां पर स्टील इंडस्ट्री किस लिए है, क्योंकि यहां पर स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल कहां से आता है, जो कच्चा माल है कोयला, वो पिट्सबर्ग में ही है। जो लौह अयस्क है वो कहां से आता है, मिनेसोटा से आता है, और मिनेसोटा ये 1500 किलोमीटर दूर है। अब इसमें ग्रेट लेक्स की बात आएगी। यहां पर ग्रेट लेक समझिए, ग्रेट लेक्स मतलब बहुत सारे लेक्स हैं इसमें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, मिशिगन, एरी, ये 5 अलग अलग लेक्स हैं। इसमें लेक सुपीरियर सबसे बड़ा है, और ये उच्च ऊर्ध्वप्रवाह, इसको प्रवाह को हम कहते हैं
हाई अपस्ट्रीम, मतलब इसमें बहुत बढ़िया पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये लेक क्या फायदा देते हैं, यहां से पानी का रोड बन जाता है, ओहायो, मोनोगहेला और एलेगेनी, यहां पर ये तीनों नदियां आपको पानी देती हैं। आज पिट्सबर्ग में कम स्टील मिल्स है, कम इस्पात की मिले हैं, और ये कहां पर है, मोनोगहेला मैंने बताया और एलेगेनी, ये जो दो रिवर्स बताई, यहां पर और ओहायो, इस इलाके में ये स्थित है। जहां पर नदियां हैं वहां तो आप जानते हैं कि वो जरूरी हो जाता है, जैसे हमने जमशेदपुर के बारे में भी देखा। परिष्कृत इस्पात स्तर यानी फिनिश स्टील, इसको लैंड के जरिए और पानी के जरिए इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी फैक्ट्रीज हैं पिट्सबर्ग में स्टील मिल्स के अलावा, और क्योंकि ये स्टील रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे क्या क्या बनता है इससे, रेल, रेल की पटरी, उपकरण और भारी मशीनें, इनका उपयोग होता है, स्टील का उपयोग इनको बनाने के लिए होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। पहले समझिए कि ये जो टेक्सटाइल शब्द है ये आया कहां से है, ये लैटिन शब्द है टेक्सेर, टेक्सीर, यहां से आया है, जिसका मतलब होता है वीव, बुनना, बुनाई करना, बुनना। अब धागे से कपड़े की बुनाई एक बहुत पुरानी कला है, कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन, इसका प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है, मेकिंग क्लॉथ। जो कच्चा माल लगेगा उस हिसाब से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कच्चा माल आएगा, जैसे रेशे, फाइबर्स। अब रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। अब ये रेशे फाइबर ये मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। कपास, जो रेशे मैं बता रहा हूं प्राकृतिक, ऊन, कपास, सिल्क, लिनन और जूट, ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। मानव निर्मित में आ जाए तो नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन है। सूती वस्त्र उद्योग ये बहुत पुराना, अगर कहें उद्योग है, बहुत प्राचीनतम है ये। 18वीं सदी, जब इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन, उस तब तक 18वीं सदी तक सूती वस्त्र ये हाथों से बुना जाता था, यानी इसको हाथ से, हस्त कताई तकनीक और हथकरघों से इसको तैयार किया जाता था हाथों से। फिर उसके बाद 18वीं सदी के बाद जब पावर लूम्स आ गए, और फिर जैसे 18वीं सदी में पावर लूम पहले ब्रिटेन में आया, उसके बाद और जगह वो गया, पहले ब्रिटेन में शुरुआत हुई, तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग, इसके विकास में काफी, मतलब इसके डेवलपमेंट में काफी तेजी आई। अब आज क्या है, आज की बात अगर मैं करूं तो भारत हो गया, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। भारत में बहुत बेहतरीन गुणवत्ता, मतलब अति उत्तम गुणवत्ता के जो सूती वस्त्र है उसकी हमारी बहुत बड़ी परंपरा है, पुरानी परंपरा, गौरवपूर्ण कह सकते हैं इसको। आपको ब्रिटिश शासन के पहले हाथ से काटे हुए, हाथ से बुने हुए जो वस्त्र थे उसका बहुत बड़ा बाजार था। ढाका का मलमल और मुसुलीपट्टनम की छीट और कालीकट के कैलिको, इसी तरीके से बुरहानपुर का जो कॉटन, गोल्ड रॉट, सुनहरी जरी इसे कहते हैं, सुनहरी जरी का काम, गोल्ड रॉट और कॉटन पीस, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा, ये विश्वविख्यात थे, मतलब इनके डिजाइनों के लिए और इनके वस्त्र की गुणवत्ता के लिए। अब हाथ से बने होने के कारण ये थोड़ा महंगा था, ये काम जरा महंगा था और समय भी बहुत ज्यादा लेता था, इसीलिए जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग हैं वो वेस्टर्न, पश्चिम के जो नए वस्त्र थे, जो वस्त्र आ रहे थे, उनकी मिलों से कंपटीशन कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जो कि ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो लोग किसका उपयोग करते थे, वहां पर यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट का इस्तेमाल करते थे, हमारे यहां से काम होता था, तो बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ। जो पहला, पहली सफल यंत्रीकृत कह सकते हैं इसको, वस्त्र मिल, यानी पहली सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल, ये 1854 में मुंबई में हुई है, याद रखिएगा आप, 1854 मुंबई। इसका क्या था इसमें, क्योंकि एक तो आर्द्र जलवायु थी यहां पर, मशीन आयात के लिए हमारे पास पोर्ट था और कच्चे माल की उपलब्धता थी यहां पर, लेबर भी अच्छा था, दक्ष श्रमिक थे यहां पर, और इस कारण से इसका फैलाव काफी हुआ, एक्सपेंशन हुआ, द्रुत गति से इसका फैलाव हुआ इस उद्योग का। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1854 मुंबई, पहले जो फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल, पहले प्रारंभ में, शुरुआत में ये उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, वहां के आद्र जलवायु के कारण यहां पर बढ़ा पनपा,
लेकिन आज के समय में जो आर्द्रता है, जिसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी, इसको तो आप खुद कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से भी पैदा कर सकते हैं। और कच्ची कपास शुद्ध होती है, और वस्त्र उत्पादन का जो प्रक्रिया है, इससे इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए ये जो उद्योग है भारत के बहुत सारे भागों में आगे बढ़ गया, चला गया। इसका नाम लूं मैं तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, इसके महत्वपूर्ण आपके केंद्र हैं। मैंने जैसे बताया आपको, जो पहला वस्त्र, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लैस्टर के पास स्थापित हुआ था, इसको ध्यान रखना चाहिए था आपको ध्यान में। फिर उसके बाद ये बंद हो गया था। ये आपको मैं सूती वस्त्र के विनिर्माण की क्षेत्र दिखा रहा हूं। आप देखें, ये इलाका, ये जिसके बारे में हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, यहां हो गया। यूरोप के कई इलाके हैं इसमें, और फिर ब्राजील के पास है, थोड़ा नीचे भी है इलाका, साउथ अफ्रीका में भी है, थोड़ा ऊपर की तरफ है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा नहीं है, जापान में है, और चाइना के दाएं पे, यहां पर आपके थाईलैंड, उसके दाएं हाथ पे यहां पर चीजें हो रही है, और यहां पर यूरोप में भी अच्छा खासा है, और हिंदुस्तान में तो खैर है ही है। अहमदाबाद की बात करेंगे। अहमदाबाद भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा जो होता है, 1/3, वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले याद रखें, अहमदाबाद का है, यहां पर गुजरात, गुजरात के साबरमती रिवर के पास है। 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई, और उसके बाद मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया है। अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि यहां की फेवरेबल कंडीशंस है, अनुकूल अवस्थिति है। और दूसरी चीज ये है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग और कारक बहुत अनुकूल थे। पहली चीज, अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के, पहली बात तो निकट में था, निकट में है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद यहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जलवायु जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है यहां पर, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत स्पिनिंग और वीविंग के लिए। उसके बाद सपाट भूभाग है, मतलब प्लेन भूभाग है, और भूमि की आसानी से उपलब्धता है, से मिलों की स्थापना की जा सकती है। गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर घनी आबादी है, इसके कारण अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड भी, यानी कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। अच्छी खासी सड़कें हैं, सुविकसित सड़कें हैं, रेल मार्ग अच्छे हैं यहाँ पर, जिससे बाकी जगहों पे इस तैयार माल को पहुंचाया जा सकता है, मतलब सरलता से बाजार उपलब्ध है। और नजदीक में ही, पास में ही मुंबई का जो पतन है, बंदरगाह है, सो इससे मशीनों का आयात किया जा सकता था, करता है, किया जाता है, और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा ये प्रदान करता है। क्या? पतन, ध्यान रखिएगा, पोर्ट, पोर्ट या बंदरगाह बड़ा जरूरी हो जाता है। जहां पोर्ट होंगे, बंदरगाह होंगे, आप देखेंगे वहां पर चीजें आसान हो जाती। लेकिन अभी के हाल के वर्षों में अहमदाबाद की जो सूती मिलें हैं, उसमें कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल ये बंद हो चुकी हैं, और देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास हुआ है, और अहमदाबाद की जो मिल है, उनमें मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण नहीं हो सकता, नहीं हो हुआ, या लोगों ने नहीं किया, इस कारण से शायद चीजें आगे नहीं बढ़ी, जो कि भारत का मैनचेस्टर कहलाया जाता था एक समय में। तो अब हम यहां पर ओसाका में आते हैं। ओसाका क्या कहता है? जापान चलते हैं। अब देखा, आपने दिखाया था मैंने आपको, जापान में काफी अच्छा है। ये जापान का मैनचेस्टर है, और ओसाका जापान का एक बहुत महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास यहाँ के भौगोलिक कारण से हुआ है, ज्योग्राफी। ओसाका के चारों तरफ एक काफी विस्तृत मैदान है, वहां पर सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से जमीन मिल गई, या मिल उस समय शुरुआत में जमीन उपलब्धता थी, या फिर अवेलेबिलिटी थी। और जलवायु की बात अगर मैं करूं, तो उष्ण आर्द्र जलवायु, यानी वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ये स्पिनिंग और वीविंग, कताई और बुनाई के लिए। योडो नदी है यहाँ पर, पानी के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और पोर्ट भी है यहाँ पर, पतन भी है, लोकेशन ऑफ पोर्ट, आयात और निर्यात के लिए आपको पोर्ट पोर्ट जरूर चाहिए। और इसके अलावा चीजें, ओसाका का जो कच्चा कपास है, उसका आयात होता है इनके पास, और फिर वस्त्र को तैयार करके ये इसे बाहर भेज देते, एक्सपोर्ट कर देते। कच्चा माल ये पूरा, मतलब यहां कुछ नहीं हो रहा,
सब चीजें ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा बना के फिर बाहर भेज देते हैं। तो कहां कहां से आता है? मिस्र से, जैसे इजिप्ट, मिस्र, भारत और चीन, यूएसए से आयात करते हैं। उसके बाद परिष्कृत उत्पाद यानी जो ये बना लेते हैं उसको ये निर्यात करते हैं, क्योंकि क्वालिटी इतनी बढ़िया देते हैं ये और इसका मूल्य इतना बढ़िया है कि उसका अच्छा बाजार इनको मिलता है। ये यहां का बहुत अच्छा बड़ा उद्योग है। लेकिन आज के समय अगर मैं बात करूं तो ओसाका में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका स्थान बाकी और उद्योगों ने, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स और विद्युत उपकरण और सीमेंट इन्होंने ले लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, इसको हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप ये सोचिए, आप क्या काम करते हैं? सुबह 9 बजे से जाते हैं, 5 बजे ऑफिस से आते हैं, ये काम करते हैं। क्या एक कंपनी 24 घंटे काम कर सकती है? हर कर सकती है। कैसे करेगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। यहां पर ऐसा हुआ, भारत की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उन्होंने किस तरीके से यूएसए के साथ, ये इंडिया हो गया, ये यूएसए हो गया, कैसे ये बात करते हैं? शिफ्ट से काम, शिफ्ट में काम करते हैं। दिन में भी काम हो रहा है, रात में भी काम हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जब दिन हो रहा होता तो यूएसए में रात हो रही होती है ना, और यूएसए में जब दिन हो रहा होता हिंदुस्तान में रात होती है। ऐसी और भी देशों के साथ अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे। तो उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूं तो क्या हो रहा है, अगर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हो गई, मैं यूएसए की, आपके कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली की बात करता हूं, सिलिकॉन वैली, इसमें यहां पर डैनी है और यहां पर स्मिता है। तो स्मिता का जो सोने का टाइम होता है, डैनी के जगने का टाइम होता है। तो क्या होता है कि डैनी यहां पर काम करते हैं, अपना काम करते हैं, जब ये काम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपना काम जितना हो गया वो स्मिता को भेज देते हैं। अब स्मिता क्या करती है, जब ये सुबह उठती है, इनके पास काम पहुंच जाता होता है और भी चीजें जो डैनी ने पहुंचाई है, वो स्मिता अपना काम करना शुरू कर देती है, संदेश को मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, आजकल तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई है। अब ये आगे काम करती है, फिर काम कर लेती है, फिर जब शाम हो जाती है तो ये अपना अपडेट काम डैनी को भेज देती है। आप देख रहे हैं 24 घंटे काम हो रहा है एक तरीके से, 24 घंटे। और आप कहें सैटरडे संडे भी काम हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जहां हमारा जब संडे हो रहा होता है तो वहां मंडे हो रहा होता है ना, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर एक चित्र देखिए, यहां पर एक आईटी इंडस्ट्री का एक चित्र दिखा रहा हूं आपको मैं। यहां पर प्रोग्रामिंग हो रही है, बहुत सारी चीज होती है, प्रोग्रामिंग हो रहा है और कनेक्ट रहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये उद्योग सूचना के संग्रहण, मतलब इंफॉर्मेशन का संग्रहण, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, संग्रहण है, प्रक्रम है और वितरण, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और वितरण, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन को लेना और उसको प्रोसेस करना और उसको आगे बढ़ाना, यानी उसको लोगों के यूजेबल आना। तो अब ये ग्लोब हो गया है, अब देखें यूएस और ये, हम तो अब ग्लोब में आ गए ना, सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्रौद्योगिकी चेंज हो गई, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए उसके कारण से हुआ। इसमें क्या है, एक तो अब आपको अवस्थिति या लोकेशन की आवश्यकता नहीं है, लोकेशन कोई भी हो सकता है ना। और क्योंकि यहां पर जो मेन फैक्टर है इसमें वो ये है कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदुस्तान में क्यों आए, चाइना में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर लेबर कम है, पैसा कम लगता है। तो मेजर हब्स हैं सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बैंगलोर, हिंदुस्तान में। अगर बैंगलोर कहां पर है, हमारी बहुत, जैसे मैं इसको केवल बैंगलोर नहीं कहूंगा, और जगह चले जाए, हैदराबाद में है, पुणे में है। बैंगलोर कहां पर है, ये दक्कन पठार पर स्थित है, जहां इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा हुआ है, सिलिकॉन प्लैटू। और यहां पर मृदु जलवायु है, माइल्ड क्लाइमेट है, ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहां पे, ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पास लोकेटेड है। तो ये जो क्षेत्र है इसकी जलवायु है शीतोष्ण, टेम्परेट, यहां पर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता। कैनेडियन बॉर्डर पर जाए या उसके नीचे थोड़ा ऊपर जाए, -20 -15 तक जाता है। तो सिलिकॉन पठार, मैंगलुरु और सिलिकॉन घाटी, कैलिफोर्निया, इसका जो लोकेशन है उसका बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा लाभ है इसका, और इस कारण से यहां पर चीजें डेवलप हुई हैं। ये दोनों शहर जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कुछ समानता है, इस कारण से इसको, ये इसको हम कहते हैं सिलिकॉन वैली, यहां पर डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। भारत में कि महानगरीय केंद्र है
और आगे जो अभी उभर रहे सूचना प्रौद्योगिकी नवि क्षेत्र जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स कहते हैं, उसमें क्या है, मुंबई हो गया, मैं एक नाम देता हूं, मुंबई मुंबई न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और भी सिटीज हैं, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर है। बैंगलोर में एक यूनिक एडवांटेज ये भी है क्योंकि यहां पर मतलब बहुत सारी आपको अलग अलग लेवल के टैलेंट मिल जाएंगे, चाहे मिडिल लेवल हो टॉप मैनेजमेंट हो। इसका मतलब यहां है कि बाहर की कंपनियों को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा काफी अच्छी संख्या में मतलब टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं, कहने का सीधा मतलब ये है ना, इसलिए काम यहां काफी बढ़ रहा है। एक मैं आपको यहां पर एक स्थिति का लाभ इससे बताता हूं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आपस में जुड़े कैसे। पहली चीज तो यह है कि हाई टेक्नोलॉजी वे आसानी से पहुंच के लिए, जैसे मुख्य सड़क हो गई, महामार्ग हो गया, उसके नजदीक स्थित हो सकते हैं। फिर यह है कि फर्म्स कंपनीज या आपस में नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, जानकारी इधर उधर भेजते हैं, से लाभान्वित होते हैं। और सेवा और सुविधाएं, सर्विसेज फैसिलिटीज, जैसे कि सड़क हो गई, कार पार्किंग और वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, अवशिष्ट निपटन, ये भी यहां पर ऐसी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ग्रुप कैसे हो जाते हैं एक साथ। यहां पर देखिएगा कि भारत ये बातचीत हो रही है आपस में, भारत के बैंगलोर में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। ये कहते हैं कि ये नगर धूल यहां नहीं है और यहां का किराया रहन सहन थोड़ा कम है। फिर महिला कहती हैं कि कर्नाटक की जो सरकार है, राज्य सरकार, सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक सरकार ने की। ये साहब कहते हैं कि ये जो शहर है इसमें कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक यानी यहाँ पर स्किल्ड मैनेजर्स काफी अच्छे हैं, यहाँ लोग जो इस काम को समझते हैं, करना जानते हैं, यानी स्किल्ड लोग अवेलेबल है, कुशल स्किल्ड लोग यहां पर है, मैनेजर भी हैं और साथ में हर एक लेवल पे जो लोग आते हैं वो सारे अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहां पर देखेंगे लोकेशनल एडवांटेजेस देख रहे हैं हम, सिलिकॉन पठार बेंगलुरु का जो अवस्थिति है उस लोकेशन का क्या फायदा है। ये साहब कहते हैं विश्व में सबसे ज्यादा उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक केंद्र के समीप है, पहली चीज तो ये है। ये सिलिकॉन घाटी की बात कर रहा हूं मैं, सिलिकॉन वैली। ये साहब कहते हैं कि यहां पर सुहावनी जलवायु है, आकर्षक और स्वच्छ पर्यावरण है, भविष्य में विकास और विस्तार के लिए काफी अच्छा स्थान है, बढ़ाया जा सकता है। महिला कहती है कि मुख्य सड़क और हवाई पत्तन के पास में है, और ये महिला कहती है बाजार और निपुण कार्यबल यहां पर है, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो आप देखेंगे कि जो लोकेशन एडवांटेज है बैंगलोर के, बेंगलुरु अब हो गया है, और कैलिफोर्निया के, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं और वही ऑलमोस्ट यहाँ सेम स्थिति है ना। बैंगलोर शहर, पहले मैं आपको बताऊं बैंगलोर शहर में, बैंगलोर का मतलब क्या है, बीइंग बैंगलोर, इसका मतलब ये है लूज वंस जॉब टू समवन इन द सिटी ऑफ बैंगलोर, मतलब जॉब छोड़िए और जॉब छोड़िए किसी और के लिए, बैंगलोर वाले के लिए, है ना। यानी बैंगलोर शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना, इसको हम बैंगलोरी होना कहते हैं, ठीक। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में बढ़ोतरी और कहे ब्रह्मस्रोती, जिसे हम कहते हैं आउटसोर्स कर दी, तो यूएसए ने काम यहां पर, इसको शब्द समझिएगा, ब्रह्मस्रोती आउटसोर्स, मतलब हमारे यहाँ काम दे दिया, क्योंकि सब चीजें यहां पर कम पैसा है, लोअर सैलरीज है लोगों की और लेबर भी अच्छा है, लेबर भी अच्छा स्किल लेबर है। ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।